तुरंत उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ डाटा कहते जारी करते हैं, कहते 430। पुलिस कहती है उनके पीआरओ राजीव सक्सेना उनका ट्विटर देख लिए, खंगाल लीजिएगा, 420 की फिगर आती है और वहां के मुख्यमंत्री 430, तो 10 कहां गए इसका हिसाब बताओ योगी जी। हम समाजवादी लोग आपसे हिसाब मांगते हैं, पिछले 2.5 साल में 3500 लोग मार डाले इन्होंने एनकाउंटर के नाम पर, 3500, उसमें से केवल 73 लोग अपराधी हैं। जो अपराधी नहीं है अभी, जिन पर जो भी साबित नहीं हुआ है, ये अदालत का काम है। जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, अपराध साबित नहीं हो जाता, तो उसको कैसे हम मार डालेंगे? कानून अपने हाथों में ले लिया है, तो ऐसी सत्ता काबिज होने के लायक नहीं है। हम लोग वोट देते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि सुशासन होना चाहिए, अच्छा शासन। जनमानस मांग करता है कि शासन अच्छा शासन होना चाहिए। ये कैसा शासन है? ये तो कुशासन है और इसको आप अच्छा शासन बता रहे हैं। ऐसा विगत में कभी नहीं देखा गया जो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुलिस अपराधी खुले छुले, कुछ खास अपराधी लोग पुलिस के साथ मिलके ये कर्ज कर रहे हैं और वहां के सत्ताधारियों ने आंखें मूंद ली। अंधेर है, चौपट राजा अंधेर गली चौपट राजा। बेटियां सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, टारगेट बना लिया है। ओबीसी समुदाय विशेष समुदाय पर उन्होंने टारगेट किया हुआ है, दलित पर टारगेट किया हुआ है। अभी अभी लखनऊ में इनकी कुर्सी के नीचे एक तिवारी जी की, आज पूर्व में हिंदुत्व नेता रहे हैं, उनकी हत्या हो गई। एक और तिवारी जी की हत्या हो गई, कितने उदाहरण बताऊं। अभी नोएडा में एक पीछे नौजवान की हत्या कर दी, किस लिए? कि दुश्मनी के लिए, पैसों के लिए, प्रमोशन के लिए हत्या कर दी गई थी। अभी सालों पहले की बात है। कितना गजब खाया हुआ है, तो इसकी आवाज उठाते तो आवाज को कुचल देते हैं। आवाज क्यों नहीं? जनता है, जनतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है, तानाशाह नहीं है आप शासक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को अधिकार है, आपको वोट देते हैं, वोटों के माध्यम से आप आए। तो जनता को इस तरह से प्रताड़ित करोगे, मारोगे, जुर्म करोगे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में चोट की यह अत्याचार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश की मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी कार्यकर्ता यहाँ सारे दिल्ली के कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों की संख्या में आ भी रहे और यहाँ बैठे हुए हैं। कितना अंधेर है। अरे भाई, आप आए 2.5 साल में, 2.5 साल में आपको वहां का विकास देखना चाहिए। आपको अगर ये एक्शन लेना ही है तो ये हमारा शिक्षा है, अशिक्षा है। अरे उसके उसके खिलाफ लड़ो ना। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो सेवाएं जरूर है, कौन मना कर रहा? और बिजली पानी सड़क ये बढ़ाओ ना। हमारी सरकार थी जो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी सरकार ने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में विकास की बात करते रहे, उत्तर प्रदेश में मेट्रो पहुंचा दी, गांव गांव आप देखिएगा चारों तरफ सड़कों का जाल बन गया है। और तो और छोड़ो, अभी पीछे जब डोकलाम का मैटर आया था, जब हमारी सीमाएं असुरक्षित थी, तो हमारी हवाई पट्टी, पूरे देश की और हवाई पट्टियां क्यों नहीं आपने चुनी? केवल और केवल समाजवादी सफाई की हवाई पट्टी आपने चुनी। एक एक बार में अनेकों हवाई जहाज करते थे और वहां से लैंड करते थे और टेक ऑफ करते थे। ये काम है समाजवादियों का। ये काम किसने शुरू किया था? 2003 में शुरू हुआ था, 2007 में कंप्लीट हुआ। तो 7 से लेके अब 2019 में ये काम हो रहा था वहां पर, 2018 में हो रहा था। तो समाजवादी जब आते हैं तो विकास होना शुरू हो जाता है, जनता के काम शुरू हो जाते हैं, विकास का काम शुरू होता है। ये लोग हमको दूसरों में घुमा देते हैं, हिंदू मुस्लिम
धर्मांधता, इसमें अब तो हद हो गई। चारों तरफ त्राय त्राय उत्तर प्रदेश में, यह है राज, योगी बैठा दिए। योगी क्या, ये तो भोगी है, ढोंगी है, भगवा कर रहे हैं लोगों को, चुन चुन कर मार रहे हैं जिनका दोष नहीं है। आत्माएं हमारी गरीबों की, गरीबों को मजलूमों की आत्माएं चीख पुकार कर रही हैं, कहां जाएं, किससे न्याय मांगे। निर्दोष मन में दहशत है, कभी भी पुलिस वाले कौन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा और हमको मार डालेगा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कैसे सुनने वाला नहीं है, जनता आवाज उठाएगी, जनता सड़कों पर, गलियों पर, रोड पर आएगी, तो आपकी आवाज फिर कहां रहेंगे आप। ये चंद मुट्ठी भर लोग आपको बहका के सत्ता में आ गए, झूठे वायदे करके आ गए। समाजवादी कथनी करने में फर्क नहीं, कभी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आपने पीछे देखा होगा, कथनी करने में उनका ये नारा, कथनी करने में नारा क्या पुनी आवाज, कभी कथनी करने में जो वायदा के जनता के सामने किया पूरा किया। अखिलेश यादव जी विगत में देख लीजिएगा, उन्होंने 2012 में जो वादा किए थे, एक एक वादा अच्छे से पूरा हुआ। और इधर इसके इतर क्या केंद्र हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, ढाई साल से हम देखते चले आ रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ये तो गजब हो गया। ऐसी सरकार जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेके अब तक कभी नहीं आए हैं। हम कहां चले गए, हमारी एकता, हमारी धार्मिक एकता, कौमी एकता तार तार हो गई है। हम बीसों साल पीछे चले गए। जो गंगा जमुनी तहजीब थी तार तार हो गई है। कैसे आजादी मिली थी, इसमें लाखों लोग कुर्बानी दी थी, सबने दी थी, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, माताएं बहने, इन्होंने कुर्बानियां इनके नाम पर दी जगह। और जो लोग कुर्बानियां नहीं दी वो सत्ता में सीन हो गए, अपनी बातों गुमराह करके जनता गुमराह हो गई है, सत्ता में आ गए। और सभी शिक्षण संस्थाएं हो, संस्थाएं उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हमको आवाज तो उठानी होगी, हम आवाज उठाते हैं तो आवाज दबा दी जाती है, हमको धमकाया जाता है हमारे लोगों को। अरे भाई ये तो गजब हो गया है, क्या हम प्रश्न नहीं करेंगे आपसे, आप गलत काम करोगे तो आवाज नहीं उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे तो हमको धमकी देते हैं, हमारे लोगों को धमकी देते हैं। ये तो गलत है, प्रजातंत्र तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, प्रजातंत्र है हमारा। जो संविधान है, हमको अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, हमको अन्य अधिकार मिले, हर तरह से जीने का अधिकार मिला, जीने का अधिकार, तो इसको हम छीनने नहीं देंगे। हम संविधान के साथ छेड़छाड़ी नहीं होने देंगे, छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे डॉक्टर रामराव लोहिया। अंत समय में जब बाबा साहब जाने वाले थे, उनका शरीर शांत होने से पहले डॉक्टर लोहिया बाबा साहब बहुत नजदीक आ गए थे, बहुत खुतावत हो रही थी। बाबा साहब जल्दी नहीं जाते तो यह देश का भी नक्शा दूसरा होता। हमारे डॉक्टर लोहिया का भी योगदान कम नहीं है, वर्षों पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष में रखी बीती है, और अनेकों लोग उन पर पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं। बाबा साहब भी ऐसा कोई विश्व स्तर में कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी रेयर कोई मिलता है। डॉक्टर लोहिया भी उन पर लोग थीसिस लिखते हैं, इतने महान नेता हुए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी, जन जन के नेता रहे हैं, अखिलेश यादव जी पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, विचार अच्छे हैं, सौम्य है, सरल है, सादा है, उनका खान पान, रहन सहन हर तरह से, उनका परिवार आप देख लीजिएगा, कहीं कुछ आपने नहीं सुना होगा, बहुत सरल सहज है ऐसे नेता। उनकी वाणी में जो कहेंगे उनका विश्वास करना होगा, आपको विश्वास कीजिए, आपको आगे ले जाएंगे भूतल पर। स्वर्ग जैसा अनुभव कराने के लिए अखिलेश यादव पर विश्वास कर लो, स्वर्ग जैसा अनुभूति करा देंगे, इतना अच्छा स्वर्ग जैसी अनुभूति के मतलब क्या होता है, विकास के लिए मैं कह रहा हूँ, विकास की बात कह रहा हूँ, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरह से आप समन्वित होंगे, तरक्की आपकी होगी। जब वो आते हैं माता बहनों की पेंशन, उन्होंने सब पेंशन बंद कर दी, गांव गरीब का छीन लिया है, बड़ी बड़ी बातें करते देखो, धरातल पर कुछ नहीं है, विकास की बातें कर रहे हैं आप, गजब हो गया। हमारे लोग भूल गए थे, लेकिन जागृति आ रही है, जनता जाग रही है और जागेगी, इनके कुकृत्य से जागेगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप देखिए आवाज उठ रही है,
लोग त्राय त्राय कर रहे हैं कि हमें इससे निजात चाहिए, हमें इससे मुक्ति चाहिए। ये तो बहुत गलत शासन है, कुशासन है, ये तो छेड़छाड़ हो गई हमारे संविधान के साथ। कहते कुछ है, करते कुछ है। जब कोई मुद्दा आता है, विकास का मुद्दा आता है, तो ये दूसरे मुद्दे छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। मीडिया बंधु हमारे यहाँ पर है, गोद में बैठ गए, गोदी हो गए, गजब है, गोद में सारा कुछ वो कहना चाहता है वो कहने नहीं देते। और जो आना चाहिए लोगों की बातें विकास का हो, वो पिछड़ जाते हैं, दूसरी बातें आती हैं, धर्म में अंधे कर दिए। अरे नौजवान जब जागेगा तब तक सब लूट चुका होगा, माताएं मैंने जागी तब तो लूट हो चुकी होगी, और पीछे से ये डंडे अलग से मारेंगे, रोएंगे अलग। तो भाई इनके सावधान हो जाइए, गलत है, ऐसे सत्ता नहीं चलती है। आपने वादे किए पूरे करने होंगे, सुशासन लेना होगा, कुशासन नहीं, कृत्य करने होंगे, चुकृत्य नहीं, ईश्वरी माफ नहीं। अरे भाई अभी पीछे एक अधिकारी, इनका पुलिस अधिकारी, अभी ट्वीट किया, अभी ज्यादा देर की बात नहीं है, सितंबर की बात है, राजीव सक्सेना पीआरओ कहता है, कहते हैं कि हमारी एक्सप्रेस सुशील का मर्डर हुआ उसमें लखनऊ में, कहते हैं हमारी एनकाउंटर एक्सप्रेस लखनऊ में आके थम गई है। हमारे योगी जी यमराज की भूमिका में है, गजब हो गया, यमराज की भूमिका में योगी। अरे यमराज, यमराज का नाम सुना होगा आपने, सबने सुना होगा, उनका नाम किस लिए आता है? तो ये योगी यमराज की भूमिका, ये योगी है, ये योगी है, ये योगी है, योगी है, ये चोला जो चोला पहन रखा है ऐसे, और उसका प्रतिकार नहीं किया। अरे उसका खंडन करना चाहिए था। आपका अधिकारी दे रहा है, आपका पुलिस कह रहा है कि आप योगी, हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी यमराज की भूमिका में, आंसू आ जाते हैं, हृदय रोने लगता कभी कभी, ये क्या हो रहा है? तो इसे नहीं होने देंगे हम। अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गांव गांव उतर जाइए, आप साइकिल यात्राएं कीजिए, यात्राएं कीजिए, लोगों से मिलिए, और एक एक के आंखों को आपने पहुंचना है, और जनता हमारी बात मानेगी, जरूर मानेगी। तो मैं और बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।